हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौम्या शर्मा है और इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मेरी 9th रैंक आई है ऑल ओवर इंडिया। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट है और एस्पिरेंट्स होने के साथ आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में बताना चाहूँगी। इसके 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू स्टेज। तीनों स्टेजेस आर इक्वली डिमांडिंग और तीनों स्टेजेस को आपको इक्वल रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तो सिलेबस बुक्स तो पढ़नी ही पड़ेंगी, लेकिन साथ साथ करंट अफेयर्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालें। न्यूज़पेपर्स, आप कोई भी एक अच्छा न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है इसको क्लियर करने के लिए। न्यूज़पेपर रीडिंग आपको जो मेंस एग्जामिनेशन है द सेकंड स्टेज, उसमें भी बहुत काम आएगी। मैं इनफैक्ट कहती हूँ कि आज मार्क्स आए हैं तो मेरे जनरल स्टडीज़ के पेपर्स में काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं और मुझे लगता है वो मेरी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट की वजह से ही आए। मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी जो एग्जामिनेशन के हर स्टेज में आपके लिए यूजफुल साबित हो सकते हैं। सबसे पहला, अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हार्ड वर्क करने के लिए तैयार रहिए। मेहनत का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। एंड आई वाज वेरी लकी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये क्लियर हो गया और मुझे अच्छी रैंक मिली है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब भी मैंने इस एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन करी है उसमें मेहनत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मेहनत, दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है डेडिकेशन। एक डेडिकेशन और एक फोकस, इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। आपको एक लगन के साथ मेहनत करनी पड़ेगी और आपके लिए आपका गोल शुड बी वेरी इम्पॉर्टेंट और आपके सामने होना चाहिए आपका गोल। ये जब मैं पढ़ रही थी तो मेरी जो मोटिवेशन थी जिससे मैं इतनी डेडिकेटेड रह पाई वो ये थी कि मैं अगर अभी अपनी सारे दिन रात पढ़ाई करूं तो शायद कल को मुझे अपने देश को सेवा करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। और मुझे आज वक्त खुशी है कि मुझे वो मिली है चीज़। लेकिन मैं आपको बता दूँ, बिना लगन और बिना मेहनत और बिना फोकस के ये नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि आप अपने में विश्वास रखिए। एक आत्मविश्वास होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये बहुत लंबा एग्जामिनेशन है। ये जैसे मैंने आपको बताया इसके 3 स्टेजेस है, ये काफ़ी टाइम तक चलता है। इस टाइम में बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको डाउट करें और बहुत से लोग मिलेंगे जिनसे बात करके शायद आपको लगे कि आपका क्या पता सिलेक्शन ना हो पाए। लेकिन ये आपका आपके लिए है कि आपको पॉजिटिविटी से अपने आप को सराउंड करके रखना है। आप उन लोगों से बात करिए जो आप में विश्वास रखते हैं और खुद अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप एक ऑनेस्टी के साथ और अच्छे ढंग से मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर आपका भी एक अच्छा ही रिजल्ट आएगा इसमें। तो मैं कहना चाहती हूँ एक अपना आत्मविश्वास ज़रूर बनाए रखें इस एग्जामिनेशन में, बिकॉज मोर देन द हार्ड वर्क दैट यू आर पुटिंग इन, आपका जो मेंटल स्टेट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन में। अपनी वीकनेसेस पे इम्प्रूव करें, एंड जहाँ तक आप अपनी वीकनेसेस पे इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ्स को और बेटर बनाएं। तो दिस एग्जाम यू हैव टू गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल पेपर्स, ऑल स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन। ट्राई टू इम्प्रूव योर स्ट्रेंथ्स एंड मेक योर वीकनेसेस बेटर, दैट इज ऑल। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स मेनी ऑफ यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।